मेरा 80 परसेंट बैकलॉग था और मेरे पास शायद से दो से तीन महीने थे मैंने इससे पहले कभी प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली सिक हो गई थी आई वॉज डायग्नाइज विद क्लिनिकल डिप्रेशन एंड बाइकुलर डिसऑर्डर मुझे कोई अगर आके पूछ ले कि न्यूटन्स के तीन इक्वेशन बताऊँ तो पहला भी नहीं बता पाऊँ कुछ ये हालत थी मतलब मेंस तो हो जाता है सर बट एडवांस थोड़ी हो गया एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए जहाँ पे दुश्मन बस तुम्हारे सामने आता जा रहा है बहुत क्लोज है तो तुम्हें अपना जो तलवार होता है ना उसको और टाइटली पकड़ के रखना होता है

ये एग्जाम्स तुम अच्छे से दे लो बट इसके बाद तुम्हारे प्लस टू के पढ़ाई की जिम्मेदारी में नहीं उठा पाऊंगा तो तो मैं, मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे खुशियों का मतलब ये होता है एक दिन घर पे झगड़ा ना होना तो मुझे बचपन से ये चीज बताई जाती है कि अगर तुम्हें इस जगह से निकलना है अगर तुम्हें काट के लाइफ में कुछ बड़ा करना है कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी और शायद इसीलिए बार बार मुझे पढ़ाई को लेकर डराया जाता है कि अगर मैंने अपना मुंह खोला या फिर अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला तो वो मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे और उस दिन मैंने अपना एग्ज़ाम पूरा दिया एंड शाम को आके जब मैंने अपने मम्मी को सब कुछ बताया तो मेरे मम्मी काफ़ी सपोर्टिव थी उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और आज शायद मिस पॉइंट पे आके आपको ये कहानी शेयर कर पा रही हूँ ये आपके सामने रख पा रही हूँ ओनली बिकॉज कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे सपोर्ट में रही है सो so, मेरी मम्मी बीइंग एन हाउस वाइफ वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाती तो उन्होंने मेरे नानी से हेल्प लिया जो मेरी इलेवंथ ट्वेल्थ की स्टडीज़ थी वो मेरे नॉर्मल स्कूलिंग से हुई तो मेरे इलेवंथ के स्टडीज़ शुरू होने से कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी जो कि है टीवीएफ कोटा फैक्ट्री सीजन वन एंड उस वेब सीरीज़ को देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी कोटा जाना है ऑल दो डीप डाउन एंड न्यू कि शायद नानी मुझे इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो मैंने इसको जाने दिया मेरी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की स्टडीज़ नॉर्मल स्कूलिंग से हुई एंड इसी दौरान मैं बहुत डरी सहमे से रहती थी क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैं स्कूल गई और घर पे कुछ झगड़ा हो गया और मम्मी के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा तो मैं ना स्कूल जाती थी और ना मेरे दोस्त बन पाते थे तो धीरे धीरे मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया और मेरी एक बहुत स्पेशल फ्रेंडशिप हुई एंड पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझ पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है कोई मेरी बातें सुनना चाहता है कोई जानना चाहता है कि मैं इतना चुपचाप क्यों रहती हूँ इतनी डरी समय से सी क्यों रहती हूँ तो ऐसे ही चलते उन्होंने एक दिन मुझसे ऐसे पूछा कि स्नेहा तुझे प्रॉब्लम क्या है तेरे साथ होता क्या है चलता क्या है तो प्लीज़ मुझे बता बट मैं उस दिन कुछ नहीं बता पाई फिर कुछ टाइम बाद मुझे और ज्यादा परेशान होते देख उन्होंने पूछ लिया कि स्नेहा प्लीज तू मुझे ये बता दे बिकॉज ज्यादा से ज़्यादा क्या होगा तो टूट पड़ेगी ना मैं हूँ तुझे संभालने के लिए और ये पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है इस दुनिया में मेरे लिए पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने घर के बाहर भी एक घर मिल चुका है तो मैं इस फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरे आसपास की दुनिया बदल रही है जैसे सब कुछ बेटर हो रहा है और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप आके जाके तब्दील ऑलमोस्ट देर साल एक साथ रहने के बाद हर एक नए रिश्ते की तरह ये रिश्ता भी तैयार बैठा था टूटने के लिए बट मुझे अभी भी याद है कि जब ये रिश्ता खत्म होने को आ रहा था उससे जस्ट कुछ महीने पहले उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो नीट के प्रिपरेशन के लिए कोटा जाएंगे कोटा जो कभी मेरा सपना हुआ करता था बट मैं अब तो ये सब कुछ भूल चुकी थी मेरे लिए अब सब कुछ ये रिलेशनशिप ही था और मेरा मेन एम बन चुका था इस लाइफ का कि मैं किसी भी तरीके से बस इस रिलेशनशिप को टूटने से बचा पाऊँ इस रिलेशनशिप के चलते दौरान मैं काफ़ी ज्यादा मेंटली सिक हो गई थी आई वॉज डायग्नाइज with क्लिनिकल डिप्रेशन एंड bipolar डिसऑर्डर और मेरी हालत दिन ब दिन बस खराब ही होती जा रही थी डॉक्टर डोजेस बना रहे थे बट कुछ नहीं हो रहा था कोई असर नहीं था एक दिन तो मैंने मम्मी को कॉल पे रोते हुए किसी से बात करते सुन लिया जहाँ पे वो ऐसे बोल रही थी कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्नेहा बचेगी नहीं ज़्यादा दिन एंड ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे लगा कि ये मैं अपने लाइफ के साथ कर के रही हूँ ऐसे ही एक दिन शाम को मम्मी ने आके मुझसे पूछ लिया कि स्नेहा कोटा जाना तो तेरा सपना था ना तो जब वो जा रहा तो तू तो उसके साथ क्यों नहीं चली जाती तो मैंने उनसे कहा क्योंकि वो नहीं जाते उनको लगता है कि अगर हम दोनों एक ही जगह पे होंगे तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो हर इंडियन मॉम की तरह उन्होंने भी ये पूछा कि अगर वो तुझे तो बोले कि छत से कूद जाए तो तू कूद जाएगी क्या और मुझे एक मिनट भी नहीं लगा हा बोलते हुए इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है वो स्नेहा जो अपने स्टडीज को लेके फाइट मारती थी वो स्नेहा जिसको निकलना था किसी भी तरीके से इन सारे सिचुएशंस से अपनी एक लाइफ बनानी थी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना था वो सब कुछ खत्म हो चुका था मैं बस पूरे दिन एक बेड में पड़े रह बस बल्ब लाइट को और सीलिंग फैन को देखती रहती थी लेटे लेटे सोचते थे कि कभी तो ये सब कुछ खत्म होगा मुझे डर लगने लगता था कि अगले दिन फिर से सुबह होगी अगले दिन फिर से मुझे ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी मुझे किसी भी तरीके से ये सारी चीजें खत्म करनी थी तो ऐसे ही टाइम बीतता रहा एंड जब मुझे खुद ये चीजें रियलाइज होने लगी कि जो भी चल रहा है ये सही नहीं हो रहा तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब सब कुछ खत्म करना ही पड़ेगा मैंने इस रिलेशनशिप पे एक एंड लगाया और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोटा जाऊँगी तो कोटा में मैंने मोशन कोटा मैं, में ड्रॉपर बैच में एडमिशन ले लिया एंड मुझे थोड़ी सी भी हेजिटेशन नहीं होती ये बोलते हुए कि ये मेरे लाइफ के अभी तक का बेस्ट डिसीजन था मोशन कोटा में मुझे कई टीचर्स मिले टीचर्स लाइक एन वी सर वी सर जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया बट कोटा की कहानी भी इतनी आसान नहीं थी कि मैं कोटा गई और मेरा सिलेक्शन हो गया कोटा में मैं करीब करीब दस महीने रही हूँ और उन दस महीनों से मैं भी जो पहले के छः महीने थे वो मुझे बस खुद को खुश कराने में बीत गए क्योंकि मेरा मेंटल स्टेट ऐसा बन चुका था कि मैं एक वर्ड को भी विदाउट लूजिंग माई फोकस पढ़ नहीं पाती थी यही तो दूर की बात है मुझे कोई अगर आके पूछ ले कि न्यूटन्स के तीन इक्वेशन बताऊं मैं पहला भी नहीं बता पाऊं कुछ ये हालत थी और वो भी ईयर में तो जब हमारा दिवाली ब्रेक ख़त्म हुआ और मैंने ऐसे देखा कि जो मेरे साथ के लोग थे जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं बहुत खुश थी जिनके साथ मैं अपना पूरा टाइम स्पेंड कर रही थी हम लोग कोटा में घूम रहे थे मस्ती कर रहे थे आज वो भी सीरियस होने लगे तो मुझे लगा कि अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता बिकॉज इनकेस अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर की कंडीशन ऐसी तो है नहीं कि मुझे फिर से एक और ड्रॉप ईयर दिला के मेरे को प्रिपरेशन करने के लिए भेजे और मैं घर वापस जाने के लिए कभी तैयार थी नहीं क्योंकि मैं फाइनली उस जगह से निकल पाई थी तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपना पहला जेई मेंस का जो मॉक टेस्ट दिया था इट वाज ऑन नाइनटीन मार्च 2022 और उस जेई मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स आए थे 29 आउट ऑफ 300 जी 29 आउट ऑफ 300 जबकि उसके अगले महीने मेरा जेए मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट आने वाला था मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है अब कुछ नहीं होने वाला बट होता है ना कि भगवान जब आपके सामने के सारे दरवाजे बंद कर देते तो वो एक दरवाजा खोल भी देता है और मेरे लिए वो दरवाजा थे विजय सर जी। तो जब किसी ने मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखी ना तो विजय सर ने मुझसे उम्मीद रखी उनको लगा कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी लाइफ में उन्होंने मुझे गाइड किया उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और मैंने कभी भी उनके एक भी बातों पर सवाल नहीं उठाया उन्होंने मुझे स्ट्रैटेजी सिखाई कि ठीक है स्नेहा कम टाइम है बट हम फिर भी इस चीज़ के साथ डील कर सकते हैं मैंने और भी कई टीचर्स के साथ बात की जैसे कि एन वी सर जी भी सर और मैंने इन सबको सुन के इन सब में से मैंने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने अपने प्रिपरेशन में डाले और मैंने इस चीज़ को ऐसे डील किया कि सबसे पहले मैंने हाइस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स उठाए हर एक, एक सब्जेक्ट से और उनको प्रायोरिटी वाइज मैं उनके पी वाई क्यू सॉल्व करती रही उनके नॉर्मल मॉड्यूल सॉल्व करती रही और हाइस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स मतलब हम क्या समझते हैं कि इस चैप्टर से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे मार्क्स भी बढ़ने लगे बट फिर वो मार्क्स जाके एक जगह पर रुक गए थे कई बार सेवेंटी आते थे कई बार नाइन्टी आते थे तो उससे ज़्यादा कभी आए ही नहीं फिर मुझे एक महीने के लिए बीच में घर भी आना पड़ गया था एंड उससे मेरी प्रिपरेशन फिर से हैम्पर होने लगी और ये उस टाइम की बात है जब हमारे जेई मेंस दो महीने के लिए पोस्टपोन हो चुका था तो फिर मैं वापस जब कोटा गई अब फिर से मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा बट इस बार मेरे पास एटलीस्ट एक, एक प्लान था मैंने सेम वही चीज़ फिर से फॉलो की हाइस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स उनके पहले पी वाई क्यूज फिर जाके उनके लिए मॉक पेपर सॉल्व करना और ये ऐसा करते 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 हर दिन मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने हॉस्टल से निकलती थी सुबह साढ़े सात बजे और वापस हॉस्टल पहुंचती थी रात के नौ बजे मैं इसके बीच का पूरा टाइम हमारा जो एक लाइब्रेरी हुआ करता था मैं उस पर स्पेंड करती थी वहाँ पे मॉक टेस्ट देना क्वेश्चन सॉल्व करना पी वाई क्यूज़ लगाना डाउट सॉल्व करना और ये इतना भी इजी नहीं था ये शायद सुन के लग सकता है कि ये चार महीने में प्रिपरेशन इन्होंने कर लिया इन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह देके सॉल्व कर लिया और इनको इनका क्रैक हो गया मेरा अभी तक एट्टी परसेंट बैकलॉग भी था और मैंने उसके साथ ये सब कुछ डील किया मैं एक मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन को दो पैनल्स में बांट लिए थे एक जहाँ पे मैं अपने सारे पी वाई क्यू सॉल्व करती थी और दूसरा जहाँ पे मैं अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करती थी और ठीक कुछ इसी एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने अपना काम किया एंड मैंने स्टैटिस्टिक्स पे बहुत भरोसा रखा स्टैटिस्टिक्स पे इन वे कि मैंने लास्ट के फाइव ईयर्स के डेटा एनालाइज किए कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उस बेसिस पर अपना प्रिपरेशन किया फिर मैंने अपना फर्स्ट वेंस दिया वो कुछ खास रहा नहीं फिर हमारा सेकेंड वेंस आया सेकेंड परसेंटाइल अराउंड नाइन्टी सेवन बन चुके थे जिससे कि मुझे एक अच्छी एन आई टी में एक डिसेंसी ब्रांच मिल जाती बट अब बाकी था एडवांस जिसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था तो मुझे अभी भी याद है कि ये बात है अगस्त की जब मैंने वीजे सर को कॉल लगाया और मैंने कहा कि सर मैं एडवांस नहीं दे रही क्योंकि मुझसे नहीं होगा मतलब मेंस तो हो जाता है सर बट एडवांस थोड़ी होगा एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए तब तो विजय सर ने मुझे बताया कि स्नेहा ऐसे डरने से नहीं होता अगले दस दिन के अंदर तुम्हारे एडवांस का पेपर है और जब ऐसे किसी जंग में हम लोग खड़े रहते हैं ना जहाँ पे दुश्मन बस तुम्हारे सामने आता जा रहा है बहुत क्लोज है तो तुम्हें अपना जो तलवार होता है ना उसको और टाइटली पकड़ के रखना होता है ऐसा नहीं कि अब तुम तो उसे छोड़ के पीछे भाग जाओ ये बात मेरे साथ आज तक रह गई मैंने उसी दिन से वापस से अपना प्रिपरेशन सही से शुरू किया मैंने पी वाई क्यूज लगाए मैंने हर वो एक रैंक बूस्टर सीरीज के क्वेश्चन लगाए जो मैं कर सकती थी बचे हुए टाइम में और मैंने अपना एडवांस दिया एंड उस एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे उसके रैंक पे बेसिस पे मुझे के अलॉट तो अब इस स्टोरी से मैं आपको तीन चीजें बताना चाहती पहले कि फैमिली कंडीशंस हम लोग कई बार अपने फैमिली को एक एक्सक्यूज बना लेते हैं सक्सेसफुल ना होने के लिए तो मैं अपनी स्टोरी से ये नहीं दिखाना चाह रही थी कि यार देखो मैं इस फैमिली में इस एक बैकग्राउंड से आके आज बाहर निकल के मैं एक इतनी अच्छी जगह पे हूँ नहीं मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आपके पास एक फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हर किसी के फैमिली में होते हैं बट फिर भी आप इसके साथ डील कर सकते हो बिकॉज मुझे अभी भी याद है जब मेरा फर्स्ट मेन्स होने वाला था तो उससे पहले मेरे पापा ने मेरे मम्मी को ऐसे कहा कि आज तक तुमने इस पे जितने भी पैसे लगाए देखना ये सारी चीजें वेस्ट जाएगी और इसका कुछ भी नहीं होने वाला सेकंड वो है रिलेशनशिप हम लोग कई बार रिलेशनशिप ब्रेकअप्स डिप्रेशन इन सब चीजों को एक एक्सक्यूज बना लेते हैं कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे बट यार कोशिश तो करो हम अगर एक चीज़ को लेके बैठ के रोते रहे कि हमारा ब्रेकअप हो गया या फिर किसी कोई हमें छोड़ के चला गया तो हम बस वहीं पे रह जाएंगे हमें निकालने वाला कोई नहीं होगा और यकीन मानो मैं जिस स्टेट पे रही हूँ अगर मैं खुद नहीं समझती खुद खुद को नहीं समझती तो मुझे और कोई भी नहीं निकाल पाता उस जगह से एंड थर्ड इज योर प्रिपरेशन जर्नी कई लोग जब देखते हैं कि उनका इतना ज्यादा बैकलॉग हो चुका है तो उनके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यार अब तो मेरे से नहीं होगा इतने कम टाइम में थोड़ी होता है मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी मेरा एट्टी परसेंट बैकलॉग था और मेरे पास शायद से दो से तीन महीने थे मैंने इससे पहले कभी प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी बट फिर भी मैंने इस चीज को डील किया अगेन स्टेटिस्टिकली तो ये जो तीन रीजंस है शायद आपके साथ ये तीनों ही हो रहे हो या फिर आपके साथ कोई इनमें से कोई भी एक हो रहा हो मैं जस्ट अपने स्टोरी से ये कन्वे करना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में सिचुएशंस मतलब डाइवर्स सिचुएशंस आ सकती है खराब से खराब चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकता है बट इसका ये नहीं मतलब कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते इसका ये नहीं मतलब कि आप खुश नहीं हो सकते इसका ये नहीं मतलब कि आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ नहीं उखाड़ सकते और इसी के बेसिस में आज आई आई की में रहते हुए मैंने अपने एक एलम से कनेक्ट किया और मुझे पता है कि लोग डिप्रेशन में कैसा फील करते हैं कि उनको अकेला लगता है तो जस्ट टू तो मेक श्योर कि ऐसे कोई अकेला फील ना करे कोई डिप्रेस ना हो तो मैंने अपने एलम के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों ने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया बाय द नेम ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स जहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स की एंट्रीज लेते लेटेड बी स्टूडेंट्स फ्रॉम आई या फिर कोटा के स्टूडेंट्स या फिर किसी भी दूसरे कॉलेज के एंड हम लोग ट्राई करते कि उस एक केस को लेके हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करें एंड एक सल्यूशन ला पाए बिकॉज आज जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया मुझे पता है बाहर कई लोग सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो शायद आज मेरी स्टोरी सुन के उनको कोई सोल्यूशन दिखे उनको कोई सल्यूशन मिले तो इस गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया जाएगा तो मैं चाहूँगी कि आप भी इस गूगल फॉर्म को फिल करें और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमें रीच आउट करें हम लोग हमेशा आपके साथ होंगे एंड इसी के साथ मैं जो स्टॉक्स को बहुत, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यहाँ पे आके आज कुछ बता पाऊँ सो थैंक यू सो मच